लोकसभा चुनाव में चार चरणों की वोटिंग हो चुकी है और पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होने जा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी बहुमत पहले ही पा चुकी है और अब तो बस 400 पार जाना है। हालांकि विपक्ष शाह के इन दावों पर चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है और सवाल पूछ रहा है कि क्या सच में बीजेपी 400 पार कर पाएगी। अब ऐसे में शाह ने न सिर्फ विपक्ष को इसका कड़ा जवाब दिया बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर 400 पार सीटें नहीं आती तो बीजेपी का अगला प्लान यानी कि प्लान बी क्या होने वाला है। बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है, अभी हम उठा सकते हैं, मैं यही कहता हूं आपको। परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है, बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 125,000 लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। आपको बता दें कि दक्षिण भारत की राजनीति के अलावा गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। उनके मुताबिक हर बड़े और देश हित वाले मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के हर नेता के विचार एक समान दिखाई पड़ते हैं और साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को अस्थिर बताया है। देखिए, ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं, इसमें से किसी का भी पूरे देश की जनता पर विश्वास नहीं। इसलिए एक इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि हर साल हम एक एक प्रधानमंत्री करेंगे। ये कहा तो नहीं? जी कहा है, मैं नाम कहना नहीं चाहता। ये कहा है कि हर साल हम एक एक प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे। ये देश में स्थिर सरकार ने कितने सारे फायदे किए हैं देश की जनता जानती है। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है। आपको बता दें कि चार चरणों में वोटिंग हो चुकी है और अब तीन और चरण बाकी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा चर्चा सातवें चरण की हो रही है क्योंकि सातवें चरण में कई हॉट सीट हैं, जहां पर दिग्गजों की परीक्षा होगी। वाराणसी की बात करें तो यहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और कांग्रेस से अजय राय मैदान में है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।